सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडेट। सो द फ्लैश की स्क्रीनिंग्स वर्ल्ड वाइड काफी जगह हो चुकी है और इस मूवी से रिलेटेड काफी सारे डिटेल्स इंटरनेट पे सामने आ चुके हैं। मैंने इस मूवी से रिलेटेड इस मूवी की कंप्लीट प्लॉट के ऊपर वीडियो बना के रखी है, तो अगर आपको फ्लैश की कंप्लीट स्टोरी के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल रहा होगा। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली फ्लैश के एंडिंग और क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाला हूँ। अपेरेंटली WB डिफरेंट स्क्रीनिंग्स के अंदर फ्लैश की डिफरेंट एंडिंग को दिखा रही है, तो फ्लैश की ओरिजिनल एंडिंग और क्रेडिट सीन क्या होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। और फ्लैश के ओरिजिनल एंडिंग और क्रेडिट सीन के बारे में हमें 16 जून को ही पता चलेगा। पर अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी के लास्ट में बैरी एलन एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाएगा जिस यूनिवर्स को बैटमैन जॉर्ज क्लूनी प्ले कर रहे होंगे। अब एज्रा मिलर का फ्लैश इस यूनिवर्स के अंदर कैसे पहुंचेगा ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हो, जिस वीडियो के अंदर मैंने फ्लैश की कंप्लीट स्टोरी को कवर किया है। बाकी एक दूसरी एंडिंग भी चल रही है फ्लैश की काफी ज्यादा रूमर्स में, उस एंडिंग के अंदर भी हमें एक बैटमैन दिखाया जाएगा, पर इस बार हमें बैटमैन का फेस नहीं दिखाया जाएगा और ये बैटमैन एक मिस्टीरियस बैटमैन होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली जेम्स गन के यूनिवर्स का बैटमैन होने वाला है, यानी कि न्यू DC का बैटमैन होने वाला है। सो फ्लैश की एंडिंग के अंदर एज्रा मिलर का फ्लैश एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर फंसने वाला है और वो यूनिवर्स हो सकता है जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन का हो या फिर जेम्स गन के नए बैटमैन का हो। इन दोनों में से कोई एक एंडिंग फ्लैश की मूवी में हमें देखने को मिलने वाली है। अगर फ्लैश की एंडिंग के अंदर हमें न्यू DC का बैटमैन दिखाया जाता है, इसका मतलब ये होगा कि एज्रा मिलर का फ्लैश आपको न्यू DC के अंदर भी देखने को मिलेगा और जेम्स गन के यूनिवर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। पर अगर हमें फ्लैश के एंड में जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन देखने को मिलता है, इसका मतलब ये होगा कि फ्लैश की मूवीज कंटिन्यू कर सकती है और फ्लैश की फ्रेंचाइज कंटिन्यू कर सकती है, मे बी अगर फ्लैश की मूवी अच्छा करती है, पर ना एल्सवर्ल्ड यूनिवर्स जैसे कि दी बैटमैन और जोकर की मूवीज एग्जिस्ट करती है और ये सारे मूवीज न्यू DC यूनिवर्स का पार्ट नहीं होंगे पर एल्सवर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर पाएंगे मे बी। इसके अलावा फ्लैश के अर्ली रिव्यूज भी बाहर आ चुके हैं और फ्लैश की मूवी जेन्युइनली एक अच्छी सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी के अर्ली रॉटन टोमेटो स्कोर भी बाहर आ चुके हैं और जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्लैश की मूवी 72% फ्रेश पे, जो कि काइंड ऑफ एक लो स्कोर है इसके लिए और आई थिंक इस मूवी को कम से कम हाई 80s या 90s में रहना चाहिए था। और आई थिंक ये मूवी 75 के आसपास रहेगी जो कि एक अच्छा स्कोर है इस मूवी के लिए। बाकी इस मूवी का ऑडियंस स्कोर डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले कि आप किस बैटमैन को कैमियो को फ्लैश के लास्ट में देखना चाहते हो, क्या जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन को या फिर न्यू DC के बैटमैन को, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी फ्लैश की कंप्लीट स्टोरी के बारे में जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी काफी बार बताया रखा वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर हमारे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।